बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आबद एग्रीकल्चर में आप दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, मकई जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रूज पे जा रही है, रेट्स बढ़ रहे हैं, तो इसके रेट्स जो हैं वो कितना ऊपर जाएंगे, कितने इसके रेट्स बढ़ेंगे, तो आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ डिटेल शेयर करते हैं। जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दी गई बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि ज़रात से मुतल्लिक तमाम तर मालूम मिल सके। दोस्तों, अगर मकई के हवाले से बात की जाए तो मकई के जो रेट्स हैं वो ज़िम्मेदार ने खुद इसके ऊपर कोशिश की है तो इसके रेट्स के अंदर इजाफा हुआ है। मतलब ज़िम्मेदार ने मकई जो थी वो मंडी के अंदर ना लेकर आए, उन्होंने मंडी के अंदर जो है वो उन्होंने जो कपास थी उन्होंने जो मकई थी वो रोक ली, स्टॉक करना शुरू कर ली, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए रेट्स के अंदर भी इजाफा हुआ। अगर रेट्स के अंदर इजाफे के हवाले से बात की जाए तो रेट्स जो थे वो 2000 रुपये तक भी चले गए थे, लेकिन फिर मंडियों के अंदर रेट्स कम लगने की वजह से किसानों ने थोड़ी सी हिम्मत की, इत्तेहाद किया, मुत्तहिदा जो है ये आपके अमल ने आपको जो है वो इसके रेट्स के अंदर जो है वो इजाफा किया है। तो अगर इसके रेट्स के हवाले से बात की जाए, आज रेट्स इसका अमूमन जो था और मजमू जो रेट्स था वो तकरीबन 2500 रुपया टॉप रेट था, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर इसका जो रेट्स है वो 2700 रुपये तक भी होगा। तो 2700 रुपये तक चंद दिन के लिए ब्रेक भी हो सकती है, और अगर टॉप रेट की बात की जाए तो आउट ऑफ सीज़न इसके जो रेट्स हैं वो 4000 रुपये तक भी सुन रहे हैं कि 4000 रुपये तक भी इसके रेट्स जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह रोज़ाना की अपडेट्स जो हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे। आपका इलाका कौन सा है, आपके इलाके के अंदर क्या रेट्स चल रहे हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।